सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जो बनाने का तरीका है इनका, आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ियों से ये पूरा लकड़ियों से ये बनाया हुआ है। और आप दूसरी तरफ यहाँ पे देखें, आप ये चीज़ पहले झाड़ियों से ये बनता है, उसके बाद यहाँ पे जो ये मिट्टी लगाई जाती है इस तरीके से। हमारे साथ ये भाई जो है वो मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे किस तरीके से ये बनाते हैं। अंदर का माहौल भी आपको दिखाएं, आ जाए कैमरामैन मेरा दिखाए तो अंदर का माहौल आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये किस तरीके से ये बना हुआ है। और ये जो है रिवायत और ये तौर तरीका जो है कदीमी साल पुराना, जैसे हमारे बड़े और सिंध का जो कल्चर है, शुरू में हर जो है बंदा ये इसी तरीके से ये बनाता था। आइए भाई, कैसे ये बनाते हैं आप इस तरीके से? देखो, ये पहले हम लकड़ियाँ काटते हैं जो जंगल से काट के यहाँ ले आते हैं, इनको इकट्ठे करके ऊपर वजन दे देते हैं ताकि वो जो प्रेस हो जाए। उनके बाद हम ये वाले जो दोरी होती है ना, ये भी हम कोई लेते नहीं है, यहीं बनाते हैं ये, इनको साथ मिल के ये इनको जो बना के और ऊपर से जो लकड़ियाँ बड़े बड़े लकड़ियाँ डाल के और जो दोरी होती है उनसे बांध के अच्छी तरह से, फिर जो है ये जैसे भी यहाँ कोई पैसों से ली हुई चीज नहीं है, ये अपनी चीज टोटल हम अपने हाथों से बनाते हैं। जैसे हम लोग अपना जो है घर बनाए तो ईंटें वगैरह सीमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप लोग यहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट के इस तरीके से ये बनाते हैं? जी, इसी तरह से लेकर हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, इनमें से कोई चीज पैसों से ली हुई या कोई शहर से खरीदी हुई कोई चीज नहीं है यहाँ। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जब बारिश आती है तो पानी का किस तरीके से? पानी तो ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाता है, इसके अंदर नहीं आता है। पक्की बात मतलब कितनी भी बारिश हो। अभी जो सैलाब आया था बाहर, जो हम इसको हमारी जबान में बोलते हैं, वो मजबूत दिया हुआ था तो फिर नहीं आता है। खिप मजबूत दिया होता है, जैसे ये आरसीसी छत बनाई हुई है। जी हाँ जी, ये आपने सुना भाई का कि लकड़ियों से इस तरीके से बनाया जाता है। आगे भी आपको और चीज़ों का हम विजिट कराएंगे। जी, हाँ, कोई रली से पेट तक हूँ दादा, बियो छा है तो कहो कम है गुजारो, ता जो इने ते थी दो गुजारो। हाँ, मजदूरी तो को कमांड वट को रली बली सुबह तने वक्त गुजरे पे वदा, बियो असा जी केड़ी है तो बनी बारो है, जो बैठा ना असा जी ड्यूटी न बी न कुछ का तो से काने सा वट। अच्छा, ये जो घर छायो तमा माशाल्लाह मिट्टी जो किया ठाईंदा हो, तकलीफ थी नहीं जा रहा है तो धड़े ते चढ़ो दा तमा अदा धड़े ते चढ़ो दा हकड़ी एकड़ो धड़े ते मर्ज बेओ धड़े जी तकलीफ एकड़ो दलो ता पानी जा खा सा भर जी हां ढक तो थी वने ओए भाव पगर बस जान मार ले तो बाकी मरी जुरी पे छा करो दड़े ते बैठा हूं बोद जे सरखी में तवा तो पानी अचे तो पोड़े तो मारे इने करे तवा मथे बैठा हूं इने करे पानी इते नलके पानी मिठो नलके जो पानी असा ता पैसा काने जो को नलको की जो हणा ना गरीब लगा बैठा हूं होता होता भरी खणी मानन जे नलका ते डुबी डुबी बच्चन जो पेट करू बे छा करू असल किथा जाओ तवा मदा असल असि नगर पार कर जायो दा नगर पार
हाँ तां का हिते घणो घणो साल थी आ असा के हिते 13 14 साल थी रिया इन 14 साल हाँ बैठा है बच्चन जो पेट करूं छा करूं कोई थर त लगे कान थे जका हते बैठा है थर में ये सहूलत कुछ आहे या न उते सहूलत तो आहे जे वट पैसा उन जो सहूलत तो असा वट पैसो है कोने सहूलत के जी होजे ना ना असा जला कोने असा जला सब हते जो को बैठा हूं चाहे ना हथ में हथियार करो जो को हथ में तो मुझे घर बदुक पे बदुक केड़े काम जी कुत्ता रा डाणन परा वनी लट हो जे तो कुत्ता के हड़ा तो पते था का इयो गाल है लगा हर तो बेचारे असा जो पाई जो मुल्क है थारे पण असा जो जान तो ने सी बैठा होते ना ना उते पुछ काने असा ला पैसो देसो हो जे त मान कुआरो प्लाट को का शे को बाजी को बी को पंजो टुकड़ो ठाए वो का मसलो है का रे बेटा होते कमाद वटू कुटी चुंडू कणक वटू बड़ी पेट करे ने बैठा को रली सबो उतनो को कुछ वो की को की जिंदगी ये सफर मतलब हले पे हां हन तरीके ता मरे पंजो जान सही तो हले दुख दाडा है हां दाडा मी बेटा दाडू पे हां पैसा का नाम ले जो को मैं ट्रांसफर करी वजो ओए ये भजी 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 वरी टपर सुपाइन वरी सुपे ता वरी बच्चन थे दियो ठीक ता मरू हाने सीआर वची वियो दा ठीक ठीक और इलाके काफ़ी आपको मैंने दिखाए और बहुत सारी परेशानियां लोगों की ये थी। एक ज़्यादातर परेशानी ये यहाँ पे कि पानी की किल्लत यहाँ पे जो है ज़्यादा है। और ये आप देख रहे हैं भील कोली बरादरी जो है, ये इनके आप घर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। नज़र ये थी कहानी यहाँ की, इस गांव की। इससे पहले भी आपको काफ़ी गाँव मैंने दिखाए, काफ़ी जगहें आपको मैंने दिखाई, वहाँ पर काफ़ी जो है मुश्किलें हैं। और माशाल्लाह पहली बात ये है कि आप ये घर देख सकते हैं, इनकी भी एक ज़िंदगी, इनकी एक लाइफ माशाल्लाह बेहतरीन ये गुजारे। और एक छोटे से आप देख सकते हैं यहाँ पे घर बनाए हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, लेकिन छोटे बनाए लेकिन प्यारे से बनाए। आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि मिट्टी से बने हुए और इतनी मेहनत, इसको कहते हैं एक फौलादी। फौलादी हमारे जो है गरीब बंदा कितना भी हो, गरीब हो मजबूर हो, लेकिन सफाई सुथराई माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह।